हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड टॉप। सो वही शो तारक मेहता का ओल्ड आसमा के रीसेंट एपिसोड में आत्माराम भिड़े के घर पर कोई कई सारे नींबू रख कर चला गया है, और जिसने नींबू रखे हैं उसने भी भिड़े को इस बारे में कोई बात नहीं बताई कि आखिर ये नींबू किसने भेजे। बट गाइस, आने वाली स्टोरी में आत्माराम भिड़े एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। जैसा कि रीसेंट एपिसोड में आत्माराम भिड़े ने पत्रकार पोपटलाल से नींबू की कालाबाजारी के बारे में बातचीत की थी, और ये बात पोपटलाल ने भिड़े से बोली भी थी कि जिसके यहाँ पर नींबू पाए गए उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो गाइस, मेक श्योर यहाँ पर भिड़े के ऊपर चालू पांडे कोई ना कोई कार्रवाई करने वाले हैं, क्योंकि भिड़े के घर पर इतने सारे नींबू रखे हैं जिसका कि भिड़े के पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि वो नींबू किसने भेजे। लेकिन गाइस, मेक श्योर गोकुलधाम सोसाइटी के मेम्बर्स चालू पांडे को इस बारे में समझाएंगे और चालू पांडे इसके लिए समझ जाएंगे। बट गाइस, अपकमिंग एपिसोड में इस समय पर भिड़े नींबू को बेचने के बारे में सोच रहा है कि वो रोड पे जाके माधवी के साथ उन नींबू को बेच दे ताकि उसे इतने सारे नींबू से छुटकारा मिल जाए। लेकिन गाइस, ये सब कुछ भिड़े इस समय पर इमेजिन कर रहा है।